एक मिनट में गोरे हो जाएंगे, एक दिन में पिंपल गायब हो जाएंगे, टैनिंग चली जाएगी, बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे, आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा कि आप दंग रह जाओगे, ऐसे ऐसे टाइटल वाले वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल ही जाते हैं। पर किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं करें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अब जो भी वायरल DIY हैं उनको टेस्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो सच में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही आज के वीडियो में आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं फ्लैक्सीड्स जेल को लेके कि फ्लैक्सीड जेल एक बार लगा लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ग्लास स्किन मिल जाती है और बाल लंबे होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं 7 दिन से फ्लैक्सीड जेल अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और क्या उसका रिजल्ट रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्लैक्सीड्स जो होते हैं उनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिससे कि ये हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के लिए, बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अनइवन स्किन टोन है आपका, टैनिंग है और स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और उतना ही बालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसको जो जेल है इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप बस सीड्स को पानी में बॉयल कर लीजिए और ये धीरे धीरे जेल फॉर्म में आ जाएगा और उसी जेल को आपको यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट डे है जब मैंने अपने फेस पे इसको लगाना शुरू किया था, तो मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे, छोटे छोटे ये एक्ने के मार्क्स हैं और अनइवन स्किन टोन का भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ आप देख सकते हो स्किन बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही है। अब ये जो क्लिप है ये 3rd डे का स्किन है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, ये ना ही एक्ने पिंपल को दूर करता है और ना ही स्किन को फेयर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बस ये स्किन को थोड़ा हेल्दी बनाता है, डलनेस को कम करता है और जो मार्क्स हैं एक्ने पिंपल के उस पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये आपको 1-2 दिन में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये मेरे 5th डे के पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो मुझे जो भी पिगमेंटेशन था, टैनिंग का प्रॉब्लम था वो सारा काफ़ी हद तक दूर हो गया है, मतलब एकदम से नहीं चला गया पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। स्कार्स आज और भी कम लग रहे हैं और स्किन ग्लोइंग लग रही है, आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं। और ये 7th डे के पिक्चर्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हो जो भी मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, स्किन काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। आपको 7-8 दिन में ग्लास स्किन तो मिल ही नहीं सकती है, ना ही आपका कलर फेयर हो सकता है, बस आपकी टैनिंग जा सकती है, पिगमेंटेशन कम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख सकते हो पिक्चर्स में मेरी स्किन काफ़ी हद तक पहले से कंपेयर करेंगे तो हेल्दी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं मैं इसको कैसे यूज़ करती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्लैक्सीड जेल दिन में 1-2 घंटे के लिए लगा लोगे और आपकी स्किन पे कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप अपने स्किन पे डिफरेंस चाहते हो तो इसको रात भर लगा के रखो। मैं अपना रात को फेस वॉश करने के बाद, टोनिंग वगैरह करने के बाद इस फ्लैक्सीड जेल से अपने फेस पे अच्छे से मसाज करती थी। और अगर मसाज नहीं करना चाहें तो आप ऐसे ही एक पतली सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और इसको रात भर लगा रहने दीजिए। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको तुरंत थोड़ा सा खिंचा खिंचा चेहरा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी मिक्स किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रहा था जो कि 10-15 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है, पर तुरंत में थोड़ा सा खिंचा खिंचा चेहरा लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल या फिर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की 1-2 ड्रॉप, कोकोनट ऑयल की 1-2 ड्रॉप आप मिक्स कर सकते हैं। ये जो जेल है आप इसको 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए कम से कम 7 दिन तो लगाइए, इससे ज़्यादा भी अगर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं इसको। सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम जिनको रहता है और ये जेल उस पर काम नहीं करता है, पर आप इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स कर सकते हैं अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है। और इस जेल को लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये जेल डार्क स्पॉट्स पर बहुत अच्छा काम करता है, पिगमेंटेशन टैनिंग के प्रॉब्लम
है तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। बाकी जो एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर नहीं करता है। ये जो जेल है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। इसको जब मैं रात भर लगा के रखती हूँ तो मॉर्निंग में मेरा जो फेस है काफ़ी फ्रेश नज़र आता है। पहले मेरा फेस जब मैं उठती थी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली रहता था, पर इसको लगाने के बाद मेरा जो फेस है मॉर्निंग में बड़ा ही ऑयल फ्री रहता है और ग्लोइंग लगता है। इसको लगाने के बाद मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं तो इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप अपने डाइट में फ्लैक्स सीड्स ज़रूर इंक्लूड करें और जेल बना के आप इसको अपने फेस पे, बालों पे भी यूज़ करें। बहुत अच्छा काम करता है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा हो, पसंद आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।